से बहुत उत्तम रीतिया लोगों तक पहुंचाते हैं। We've been well stories need to be presented and put across in a big way so that it is well written by the power of these authors and presenters and then that reaches out to people in a big way. Today we have an eminent dais here. I would request each and every one of them to kindly introduce themselves by your own words in a crisp format. Give us an overview जो एक 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 विषय है वो लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए और वो पहुंचाया जाने के लिए उसे अच्छी तरीके से लिख के the monk who became the chief minister नाम का पुस्तक लिखा योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर, वैशाली जी हैं जो सेलिब्रेटेड ऑथर हैं, श्रद्धा शर्मा जी हैं जो योर स्टोरी नाम का पब्लिकेशन और स्टार्टअप्स को एनकरेज करने के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, अक्षत गुप्ता जी हैं यहाँ पे जो तो दोस्तों यही कुछ है इस वीडियो में आपने देखा। और मैं बता दूं कि जो चीज़ चल रही है, प्रोग्राम चल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट जगह से लोग आते हैं अपनी मंदिर के बारे में, अपनी ट्रस्ट के बारे में बता रहे हैं फिलहाल। Story telling is important and this book narrates it. So this is my third book. First was The Monk Who Became Chief Minister, became published by Bloomsbury, became here till like 6 months, like this Jaipur Literature Festival. This is like the biggest literature festival. Second book came The Monk Who Transformed Uttar Pradesh. By third month, fourth month, I did a long 20 days US tour for that book, right? So this book became bestseller somewhere in 3 months and 6 months. When I converted the book for the kids, and that too in, if I can open it for you, in an Amar Chitkatha style, like graphic format, this book became Girishji bestseller in 6 days, right? So 6 months to 3 months to 6 days. Not because maybe what I've written, maybe the target audience and the way it's written. And I think that's my plea, request, advice. You're all very secret people, so I advise you much, maybe request. So convert all your stories, you have far more fascinating stories. In 2019, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ में बैठी 1 घंटे और उन्होंने मुझे अपनी स्टोरी दी और मैंने उनकी स्टोरी लिखी। मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर उम्मीद है, हौसला है और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम मिडिल क्लास इंडिया से आते हैं ना और थोड़े कम इंडिया से आते हैं तो उनको अपनी स्टोरी सुनाने वी आर नॉट इन द हैबिट कि हम अपनी स्टोरी सुनाएं। हम अपने बारे में बोल ही नहीं सकते क्योंकि हमें शुरू में सिखा दिया था दूसरों को सेलिब्रेट करो। मगर मैं कहना चाहूंगी दो चीज, जिंदगी में मैंने देखा है कि अगर मन में ये विश्वास है ना कि हम किसी से कम नहीं तो बाकी सब बकवास है, तो अपने पे विश्वास रखना और अपनी स्टोरी, क्योंकि अमेरिका का स्टोरी देखना, शुरू में देखो अमेरिका में क्या होता है, देखो जापान में क्या होता है, देखो यहाँ क्या होता है, देखो उसके साथ क्या होता है, मगर हम कभी ये नहीं कहते देखो हमारे साथ क्या होता है, हमारी स्टोरी क्या है। मैं चाहूंगी कि इस माध्यम से, टेम्पल कनेक्ट के माध्यम से, अगर आप लोग अपनी स्टोरी समझना, लिखना और उसको एम्पलीफाई करना चाहते हैं तो वी आर पार्टनरिंग विद टेम्पल कनेक्ट और हम सब की स्टोरी प्रमोट करना चाहेंगे एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू सो मच। अक्षत गुप्ता जी, सभी को प्रणाम। हम लोगों ने वो लाइन सुनी है ना सबने बचपन में, हमारे तो स्कूल में चलती थी कि दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें। तो आप सब हम लोगों की के साथ हैं अभी यहाँ से भी, तो मैं आप लोगों से एक छोटी सी विनती कर रहा हूँ। मैं अभी जितनी बार भी आप लोगों के लिए मैं एक अपनी लिखी हुई कविता पढ़ के इस बात की शुरुआत अपनी तरफ से करना चाह रहा हूँ। मैं जब भी प्रणाम बोलूँगा ना तो आप सब एक स्वर में बोलेगा मैं हिंदू हूँ। हम कर सकते हैं कृपाण कटार और भाला में भी मैं हूँ, श्वेत भी हूँ और शुद्ध भी मैं हूँ, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ, इतिहास में वहाँ आंसू और खून भी मैं हूँ, अब जो कह के मिलेगा वो सुकून भी मैं हूँ, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ। प्रणाम। चिता की अग्नि, गंगा का पानी, कब्र की मिट्टी और लोबान भी मैं हूँ, पीर फकीर अली वली सियावर राम का हनुमान भी मैं हूँ, भोला हूँ सरल भी तुम्हारा मित्र भी मैं हूँ, घोल भी दूं तुमको और घुल भी जाऊं तुम में कुछ ऐसा चरित्र भी मैं हूं, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूं। प्रणाम। प्रणाम का भाव भी मैं हूं, आक्रमण का घाव भी मैं हूं, सहनशील और शांत भी मैं हूं, देव भारत का हर प्रांत भी मैं हूं, शक्ति भ
भक्ति और ना थकती क्रांति भी मैं हूं, तूफान हूं और तूफान से पहले की शांति भी मैं हूं, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूं। प्रणाम प्रणाम। मेरा नाम अक्षय गुप्ता है। मुंबई में रहता हूं। एक किताब लिखी है मैंने जिसका नाम द हिडन हिंदू है। महेंद्र सिंह धोनी साहब जो हमारे क्रिकेट कप्तान रहे, उनका एक प्रोडक्शन हाउस है, उन्होंने इसके राइट्स खरीदे हैं। 3 पार्ट में ये फिल्म बन रही है। मेरे पास उसके अलावा 7 फिल्में और हैं एज अ स्क्रीन राइटर स्क्रिप्ट राइटर। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन यूजुअली देता हूँ कि हाय माय नेम इज अक्षय गुप्ता, आई एम अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड, पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर, पोएट एंड लिरिसिस्ट। तो ये मेरा छोटा सा परिचय है, बाकी अभी और बात होगी। और डॉक्टर बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। गिरीश हाँ जी, इतना बड़ा बन जाएगा हमने सोचा नहीं था। आई थिंक गिरीश बहुत बढ़िया, सबको सबको साथ में लाने के लिए आई थिंक इट्स अ ग्रेट एफर्ट। मैं कॉन्सर्ट्स कराता हूँ, फेस्टिवल्स कराता हूँ, एंटरटेनमेंट कराता हूँ। मैं इंडिया में मतलब कई जगह पे कन्वेंशन कराता हूँ। बट मतलब थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं हम टेम्पल से, और आज आप देख रहे हैं कि कितना कितना अगर हम एक्चुअली इवेंट्स को इतना इतना फील मिलता है टेम्पल से। तो और आप सब टेम्पल्स को एक राय देता हूँ, मतलब एक पॉइंट, हम इवेंट्स एज अ ब्रांड बनाते हैं हम। तो अगर एक हर हफ्ते का, एक हर महीने का और एक हर साल का एक ब्रांड बना सकें आप अपने टेम्पल में, ओके, तो ये सोचिएगा। और ये जो ब्रांड है ये कई साल तक चलेगा। वो ब्रांड किसकी, बहुत सारी शेप्स में हो सकता है। आप फेस्टिवल बना सकते हैं, आप कन्वेंशन बना सकते हैं, आप म्यूजिक इवेंट कर सकते हैं, आप कल्चर इवेंट कर सकते हैं, आप आर्ट पे कुछ कर सकते हैं, आप एक्सपो बना सकते हैं। तो ये अगर ये सोच के साथ रहें, और मैं यहीं पे हूँ, इसमें साथ दे सकता हूँ कि इसको कैसे बनाया जा सकता है। मैं टेम्पल कन्वेंशन के साथ हम लोग एक म्यूजिक फेस्टिवल कर रहे हैं, गिरीश बात करेंगे उस बारे में, और हम सब लोग साथ में आ सकते हैं उस पे। धन्यवाद फॉर ब्रिलियंट थिंकिंग। वंस मोर हो जाए, क्योंकि उसके बाद में ना Q&A में फिर वो डल जाएगा। तो एक बार एक वंस मोर कर लेते हैं भाई साहब का एक सिनेरियो। पिता की अग्नि, गंगा का पानी, कब्र की मिट्टी और लोबान भी मैं हूँ, पीर फकीर अली वली सियावर राम का हनुमान भी मैं हूँ, भोला हूँ सरल भी तुम्हारा मित्र भी मैं हूँ, घोल भी दूं तुमको और घुल भी जाऊं तुम में, कुछ ऐसा चरित्र भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ। प्रणाम प्रणाम का भाव भी मैं हूँ, आक्रमण का घाव भी मैं हूँ, सहनशील स्थिर और शांत भी मैं हूँ, देवभूमि भारत का हर प्रांत भी मैं हूँ, शक्ति भक्ति और ना थकती क्रांति भी मैं हूँ, तूफान हूँ और तूफान से पहले की शांति भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। तो ये सेशन को आगे बढ़ते हुए एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, थोड़ा एंटरटेनमेंट मिलेगा, पर सबसे बड़ा जो आज की डेट में हो गया ना वो है फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, जिसे हम कहते हैं मेक मी विजिबल। अब ये अगर हम इस पॉइंट पे रहे ना कि हमें आज की डेट में अगर हम हर मंदिर में ये सोचें, ऑटोमेटिकली ये सारी चीजों का आंसर इसी पे ही है, ओके। और वो एक वो बच्चा, एक वो यूथ, वो फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट बहुत ज्यादा जाता है, ओके। तो अब मैं फ्रॉम अ फेस्टिवल पॉइंट ऑफ व्यू बोलता हूँ, मतलब ये एक पॉइंट पे रह के कि कहीं ना कहीं जो मैं शुरुआत बता रहा था आपको कि एक दिन बनाइए, एक मतलब हफ्ते में एक दिन बनाइए, महीने में एक दिन बनाइए, और हर ग्राउंड लेवल पे, अपने रीजनल लेवल पे इन्वॉल्व होइए, फिर अपने स्टेट लेवल पे इन्वॉल्व होइए, और फिर कंट्री लेवल पे इन्वॉल्व होइए। वो एंटरटेनमेंट में भी हो सकता है, वो आर्ट और कल्चर में भी हो सकता है। अब इन सबको फिर आप मंदिरों का सोचे, एक मंदिर मत सोचे, फिर ये सोचे उस सिटी के मंदिर, फिर ये सोचे उस स्टेट के मंदिर, और फिर उसको सोचे कि इस कंट्री के मंदिर। ये सारी चीज अगर हम जोड़ते चले जाएंगे ना, तो अपना जो ये जो इवेंट का एंगल है ये बहुत बड़ा सपोर्ट इकोसिस्टम बन जाता है, ओके। तो दिस इज व्हाट द थॉट इज। तो लार्जली स्पीकिंग अक्षय जी, आप मेरे को एक बात बताइए कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नरेशन स्टोरी टेलिंग, पीपल अंडरस्टैंडिंग इट, यू बीन अ वेरी सेलिब्रेटेड पर्सनालिटी योरसेल्फ ऑन ऑल द पॉसिबल सोशल मीडियाज।
फाइनली फ्रेंड लंच का टाइम हो गया, 1:10 हो रहा है। ओवरऑल मैं बता दूँ कि कुछ ऐसा भी है, अब हम लंच करने जा रहे हैं। बस ये लंच का सेशन है, लंच के बाद हम निकले हैं और ये कुछ अपना लंच है, तो मिलते हैं लंच के बाद और आपको बताते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, ऑफिस के काम में रात दिन बिजी रहते हैं, जब देखो तब ऑफिस काम, खाने पे ध्यान नहीं, पहले ऑफिस का काम फिर खाएंगे।